कंप्यूटर साइंस की दुनिया में आज हैकिंग इतना ज्यादा पॉपुलर हो रहा है कि आज हर कोई हैकर बनना चाहता है और हैकिंग सीखना चाहता है। लेकिन दोस्तों ऐसे में कई लोगों को ये पता नहीं होता कि हैकर बनने के लिए या फिर हैकिंग सीखने के लिए स्टार्टिंग में हमें किन किन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे नॉर्मल कंप्यूटर यूजर एक हैकर बन सकता है या फिर अपने कंप्यूटर पर हैकिंग स्किल सीख सकता है। मगर उससे पहले सीएस वाला के एक नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब दोस्तों एक हैकर बनने के लिए या फिर हैकिंग सीखने के लिए आज आपको इंटरनेट पर सैकड़ों ऐसे वेबसाइट मिल जाएंगे जहां पर जाकर के आप आसानी से हैकिंग सीख सकते हैं और हैकर बन सकते हैं। लेकिन वहाँ पर आपको जो कुछ भी बताया जाता है या फिर जो कुछ भी दिखाया जाता है वो दोस्तों थोड़ा एडवांस लेवल का होता है। तो ऐसे में मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप इंटरनेट से हैकिंग सीखना चाहते हैं तो पहले आप अपने कंप्यूटर का जो बेसिक नॉलेज है उसको इन्हेंस कर लीजिए। अच्छी तरीके से आपको कंप्यूटर के बारे में जब नॉलेज हो जाए उसके बाद ही आप वहाँ पर इन्वेस्ट करिए। क्योंकि दोस्तों जब आप ऑनलाइन सीखने जाते हैं तो ऐसे में वहाँ पर आपको सब एडवांस सिखाते हैं, बेसिक नॉलेज देने वाला वहाँ पर आपको कोई नहीं मिलेगा। तो ऐसे में आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, अदरवाइज वहाँ पर आप जाएंगे तो ऐसे में आपको वहाँ पर कुछ भी समझ में आएगा और आपका पैसा भी बर्बाद हो जाएगा। तो आइए जानते हैं कंप्यूटर यूजर को एक हैकर बनने के लिए स्टार्टिंग में हमें किन किन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। तो आज का हमारा पहला पॉइंट है वह है कंप्यूटर स्किल्स को लेकर। अब दोस्तों एक हैकर बनने के लिए बहुत जरूरी है कि आपको कंप्यूटर के बारे में अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। अब जैसे हमारा एक कंप्यूटर सिस्टम कैसे वर्क करता है या फिर इसमें जो हार्डवेयर कनेक्ट रहते हैं, जो इसमें डिवाइसेस होते हैं, जो पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं वो कैसे कनेक्ट होते हैं या फिर ये कैसे वर्क करते हैं या फिर हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जो प्रोग्राम्स होते हैं वो कैसे रन करते हैं या फिर कैसे बनाए जाते हैं, इनको एडिट कैसे करते हैं, मॉडिफाई कैसे करते हैं, और इसके अलावा कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं या फिर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के थ्रू अपने कंप्यूटर में कैसे प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं। तो ऐसे में आपको इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, क्योंकि हैकिंग में अगर आप किसी कंप्यूटर को हैक करते हैं या फिर किसी नेटवर्क को हैक करते हैं, किसी वेबसाइट को हैक करते हैं, तो ऐसे में अगर आपको उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है तो आप उसको कैसे हैक करेंगे। जब आपको उसकी वर्किंग ही नहीं पता तो ऐसे में आप कैसे हैकिंग करेंगे। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आपको कंप्यूटर सिस्टम से रिलेटेड अच्छी तरीके से जानकारी होनी चाहिए ताकि हैकिंग करते टाइम आपको किसी तरीके की समस्या का सामना ना करना पड़े और आप अच्छे तरीके से हैकिंग कर लें। और कंप्यूटर के बारे में अच्छी खासी जानकारी लेकर के ही आप अच्छे हैकर बन सकते हैं या फिर हैकिंग सीख सकते हैं। अब इसके बाद में जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लेकर, यानी कि आपको प्रोग्रामिंग भाषाओं का भी ज्ञान होना चाहिए। तो दोस्तों आइए बात करते हैं इस पर। आप दोस्तों एक प्रोफेशनल हैकर बनने के लिए या फिर हैकिंग सीखने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में आपको अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपकी हिंदी इंग्लिश काम नहीं आती, वहाँ पर आपको प्रोग्राम लिखने होते हैं और उनमें कोडिंग करनी होती है। तो दोस्तों ऐसे में आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में अच्छी खासी जानकारी तो होनी ही चाहिए। अब ऐसे में अगर आपने कंप्यूटर साइंस पढ़ा है तो ऐसे में आपको कई कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में पता होगा, जैसे C++ है, जावा है, सी है, HTML है, पाइथन है, या फिर हमारे कंप्यूटर में कई ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं जैसे हाई लेवल लैंग्वेज या फिर लो लेवल लैंग्वेज। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, इनमें प्रोग्राम कैसे बनाए जाते हैं या फिर इनमें प्रोग्राम को कैसे एडिट करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं, कैसे रन और कंपाइल करते हैं, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर में एक प्रोग्राम क्या होता है या फिर कैसे वर्क करता है, कैसे इसको एडिट करते हैं, कैसे मॉडिफाई करते हैं और कैसे इसको डिलीट करते हैं, और कंप्यूटर में कमांड्स क्या होती हैं, कैसे वर्क करते हैं, कैसे इसमें टैग लगाए जाते हैं या फिर टैग कैसे वर्क करते हैं, इनको कंपाइल कैसे करते हैं। तो ये सारी की सारी जानकारी आपको होनी चाहिए, तभी आप हैकिंग सीख सकते हैं और एक अच्छे हैकर बन सकते हैं। अब दोस्तों एक हैकर बनने के लिए आपको कंप्यूटर के नेटवर्क के बारे में तो अच्छी खासी जानकारी होनी ही चाहिए, क्योंकि दोस्तों अक्सर आप सोचते हैं कि आप अपने घर बैठे किसी दूसरे कंप्यूटर को या फिर कहीं दूसरे शहर में किसी कंप्यूटर को हैक करना चाहते हैं या फिर किसी वेबसाइट को हैक करना चाहते हैं, तो ऐसे में कंप्यूटर के नेटवर्किंग के बारे में आपको बहुत सारी नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कंप्यूटर में प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, TCP/IP क्या होता है, राउटर क्या होता है, सर्वर क्या होता है, क्लाइंट किसे कहते हैं या फिर हमारे कंप्यूटर में सबनेट क्या होता है, टेलनेट क्या होता है, मॉडम किसे कहते हैं, स्विच किसे कहते हैं। तो कंप्यूटर में नेटवर्किंग से रिलेटेड जितने भी कंप्यूटर टॉपिक्स हैं जैसे टॉपोलॉजीज वगैरह या फिर कंप्यूटर नेटवर्क हैं, तो इनके बारे में आपको अच्छी तरीके से जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको एडवांस लेवल पर नहीं सिखाई जाती, इसके लिए आपको खुद से सीखना पड़ेगा, वहाँ पर आपको कुछ भी सिखाया नहीं जाएगा। और ऐसे में अगर आप बिना सीखे वहाँ पर चले जाते हैं तो वहाँ पर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा और आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। अब दोस्तों एक हैकर बनने के लिए या फिर हैकिंग सीखने के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि आप जिस कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं उस कंप्यूटर के अंदर कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होने चाहिए या फिर कुछ ऐसे टूल होने चाहिए जिसके थ्रू आप हैकिंग सीख सकते हैं या फिर अपने हैकिंग स्किल्स को और भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या आपका कंप्यूटर आपको सपोर्ट करेगा? आप दोस्तों नॉर्मली एक कंप्यूटर यूजर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करता है, क्योंकि वहाँ पर चलाने में बड़ी आसानी होती है। लेकिन दोस्तों यहीं पर एक हैकर बनने के लिए या फिर हैकिंग सीखने के लिए आपको लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए और इसका इस्तेमाल करना भी आपको आना चाहिए।
अब दोस्तों यहाँ पर अगर आपको लिनक्स के बारे में जानकारी है तो आप जानते होंगे कि हमारे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर दो तरीके से इंटरफेस मिलते हैं, जिसमें ग्राफिक यूजर इंटरफेस मिलता है और दूसरा कमांड लाइन इंटरफेस मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये फायदा होता है कि जो कमांड लाइन इंटरफेस मिलता है इसके चलते आप अपने कमांड को रन कर सकते हैं। और दोस्तों लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की सबसे बड़ी विशेषता तो ये है कि यहाँ पर आपको हैकिंग से रिलेटेड सारे के सारे टूल मिलते हैं, जिनका इस्तेमाल करके आप एक प्रोफेशनल हैकर बन सकते हैं और हैकिंग सीख सकते हैं। इवन दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक हैकर बनने के लिए आपको लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए और इसके प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कैसे इसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर्क करती है और इसके अंदर कमांड कैसे रन करते हैं, और इसके अलावा आपको डॉस कमांड भी पता होने चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर मेरे कहने का मतलब बड़ा सिंपल सा है कि अगर आप एक हैकर बनना चाहते हैं या फिर हैकिंग सीखना चाहते हैं तो ऐसे में आपको लिनक्स के बारे में अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों नॉर्मली तो हम लोग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो थोड़ा सरल लगता है। ऐसे में आप जब भी हैकिंग सीखते हैं तो आपको लिनक्स के बारे में पता है, तो ऐसे में आपके लिए बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी और इसके चलते आप बहुत कम समय में अच्छी तरीके से हैकिंग सीख सकते हैं और एक हैकर बन सकते हैं। अब आज का हमारा अगला पॉइंट है वो है कंप्यूटर डेटाबेस को लेकर, तो आइए बात करते हैं इस पर। अब अगर आप एक बेहतर और एक अच्छा हैकर बनना चाहते हैं तो ऐसे में आपको कंप्यूटर के डेटाबेस के बारे में अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि कंप्यूटर में डेटाबेस क्या होता है या कैसे काम करता है, या फिर इसको कैसे बनाते हैं, कैसे डिलीट करते हैं, कैसे मॉडिफाई करते हैं, या फिर इसमें टेबल्स क्या होते हैं, इनको कैसे एडिट करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं। तो दोस्तों कंप्यूटर की दुनिया में अक्सर आपने सुना होगा कि किसी ने किसी की वेबसाइट को हैक कर लिया या फिर सरकार ने किसी वेबसाइट को बंद करवा दिया या फिर उसको बैन कर दिया। अब अगर आप भी चाहते हैं कि इंटरनेट पर जाकर आप किसी वेबसाइट को हैक करें तो दोस्तों ऐसे में आपको कंप्यूटर डेटाबेस के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इसके बिना आप वेबसाइट को हैक नहीं कर सकते। अब दोस्तों ये जो सारी चीज़ें हैं इनको कोई एडवांस लेवल पर आपको नहीं सिखाएगा, इनको आपको खुद से सीखना पड़ेगा। तो दोस्तों ऐसे में आपके लिए बेटर रहेगा कि पहले आप इन चीज़ों को पढ़ें, इनके बारे में नॉलेज इनहेंस करें और उसके बाद में आप एडवांस लेवल पर जाएं, तो ऐसे में हैकिंग सीखने में आपको बहुत सारी आसानी होगी और आप जल्दी से एक हैकर बन सकते हैं और हैकिंग कर सकते हैं। दोस्तों ये कुछ बेसिक पॉइंट थे जिनके बारे में अभी मैंने आपको बताया, तो अगर आप एक हैकर बनना चाहते हैं तो पहले इन पॉइंट को क्लियर करिए, इनके बारे में नॉलेज इनहेंस करिए। दोस्तों आई होप आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली होगी, अगर वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर से लाइक करिएगा, अदरवाइज डिसलाइक कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपके मन में कंप्यूटर साइंस या फिर कोडिंग या फिर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो ऐसे में आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई कर देंगे। और इसके अलावा अगर आपको कंप्यूटर साइंस या इंटरनेट से रिलेटेड वीडियोस पसंद है तो ऐसे में आप चैनल पर जा सकते हैं, वहाँ पर आपको काफ़ी सारा कंटेंट मिलेगा जो आपको शायद पसंद आए। वैसे दोस्तों अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करिएगा, और अगर आप इसे हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो हम मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।